जय हिंद, गुड इवनिंग आप सभी का। एक बार फिर से विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ज्योग्राफी का सबसे पहला टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि है आपके पास मैप। और मैप को, यानी कि मानचित्र को, हम मैप की सहायता से ही अंडरस्टैंड करेंगे। क्लास के साथ आप सभी ने बने रहना है। ये आपकी डेमो क्लास रहेगी, जो कि आपको ऐप और यूट्यूब दोनों के ऊपर आपको ये मिलेगी। साथ में इसी टाइप की क्लासेस के लिए आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट बैचेस हमने स्टार्ट किए हैं, जैसे कि हिमाचल के जो भी एग्ज़ाम है, हिमाचल पुलिस, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, इन सभी के अलावा हमारे डिफेंस के एग्ज़ाम है, आर्मी का है, ITBP का है, BSF का है, SSC का, जो भी हमारा डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम रहते हैं वो हैं। साथ में एक बेसिक फाउंडेशन का कोर्स भी आपके लिए चलाया गया है, जो कि लगभग हिमाचल को, साथ में इंडिया लेवल के लगभग जो बेसिक लेवल के एग्जाम रहते हैं, +2 लेवल के एग्जाम, उन सभी को वो आपका कोर्स कवर करता है। बिल्कुल आराम से हम इस टॉपिक को आज अंडरस्टैंड करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि आप जब इस टॉपिक को बिल्कुल मैप की सहायता से जब आप इसको पढ़ेंगे, 101% आपको इस टॉपिक को रटने की जरूरत नहीं है, दोबारा देखने की जरूरत है, नहीं है। बिल्कुल 101% में आपको ये वाला जो टॉपिक है वो आपका फुल एंड फिट एंड फाइनल जो है वो आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके जाऊंगा। ज्योग्राफी का मैप आज हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। मैप के बारे में सबसे पहले मैं आपको हल्की सी बेसिक डिटेल बताऊंगा। A to Z सारी की सारी आपको चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा। जो भी हमारे स्टूडेंट एप्लीकेशन के ऊपर जुड़े हैं या फिर जो हमारे यूट्यूब के ऊपर जुड़े हैं, कमेंट आप साथ साथ में करते चलें किस तरीके की आपको क्लास लग रही है। बिल्कुल ब्रीफली मैं आप इसको समझाऊंगा और टू द पॉइंट। टू द पॉइंट मतलब है कि बिल्कुल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हल्की सी बेसिक सी चीज़ जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैप को जानने से पहले हम थोड़ा सा ग्लोब के बारे में भी पढ़ेंगे। आपने सुना होगा कि ग्लोब क्या है। मैं एक हल्का सा चित्र जो है वो यहाँ पर ग्लोब का जो है वो बनाने जा रहा हूँ। इस तरीके का हमारा ये ग्लोब रहता है, अगर आपने देखा है, इस तरीके का रहता है, बिल्कुल तिरछा जैसा। इस तरीके का ये हमारा क्या है, ये है हमारे पास ग्लोब, आपने देखा है। तो अगर मैं इस ग्लोब को हल्का सा अगर देखूं तो हल्का सा कहीं ना कहीं पे क्या है, ये टेढ़ा जैसा है। तो टेढ़ा जैसे की बात क्या है, यहां पर जो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो चपटी है, यानी कि गोल नहीं है, अंडाकार है। और ये जो हमारा ग्लोब है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, वो 23.5 डिग्री के ऊपर जो है वो झुकी हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है, कितने डिग्री के ऊपर झुकी है, 23.5 डिग्री के ऊपर जो है ये झुकी हुई है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इस ग्लोब को हम हल्का सा ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद ग्लोब से रिलेटेड क्वेश्चन के बाद मैं आपको बिल्कुल वन बाय वन मकर रेखा, कर्क रेखा, अंटार्कटिक, उसके बाद जो हमारे उष्ण कटिबंधीय हैं या फिर शीतोष्ण हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको ट्रिक वाइज आपको बताऊंगा। मैं आपको गारंटी यहाँ पे देता हूँ कि आप इस टॉपिक को कभी भी भूले नहीं पाएंगे, जिस तरीके से आज मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। इसके बाद जो हम सबसे पहले आज अंडरस्टैंड करने वाले हैं मैप में, इंडिया के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। बिल्कुल आराम से आज मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम मैप की बात करते हैं, तो मैप जो है वो हमारे पास टोटल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, चाहे वो हमारा इंडिया का हो या फिर वर्ल्ड का हो या फिर अनदर किसी स्टेट का या फिर कंट्री का हो, हमारे पास मैप हो तो टोटल 3 टाइप के हमारे पास मैप रहते हैं, जिसमें से सबसे पहला मैप जो है वो है हमारे पास फिजिकल मैप। ये सिर्फ जर्नल सी आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो जो हमारे पास फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप क्या है, फिजिकल मैप का मतलब होता है यानी कि भौतिक रूप से। भौतिक रूप से मतलब कि फिजिकल का मतलब क्या है, जहां से हमें किस चीज का पता चले, जहां से हमें पहाड़ों के बारे में पता चले, जहां से हमें मैदानी क्षेत्र के बारे में पता चले, ठीक
ठीक है जी, मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ से हमें घास वाले एरिया का पता चले, जहाँ से हमें पेड़ पौधों का पता चले, जहाँ से हमें पानी का पता चले। तो आप सभी जानते हैं कि पहाड़ जो हैं वो हमें वाइट कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। मैदानी क्षेत्र जो है वो हमें ग्राउंड जो चीज़ है यानी कि वो हमें जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जो हमारे पास ग्राउंड है वो हमें कैसा दिखाई देगा, ब्राउन कलर का दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पर जो है वो टिक कर रहा हूँ हल्का सा। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये आपका कैसा है, मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि ये कैसा है, ये हल्का सा ब्राउन कलर का है, ठीक है जी। अब ये हल्का सा अगर मेरा जूम हो पाता है तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर, हाँ जी जूम हो जाएगा ये। तो आप ये देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है मेरा, ये वाला, ये जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, तो जब आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये वाला एरिया, मैं इसको हल्का सा जूम कर रहा हूँ फिर से, तो ये वाला जो एरिया है मेरा, आप इसको जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, हल्का सा ये बर्फीला वाला एरिया जो है वो आपको दिख रहा है। उसके नीचे अगर मैं जाऊँगा तो हल्का सा ग्रीन कलर का एरिया है। उसके बाद ये जो गुजरात वाली साइड है, ये हमें कैसा दिख रहा है, ब्लू वाला एरिया जो है वो हमें ये दिख रहा है। तो ये चीज आपको जो है वो क्लियर हो रही है। अब इसके बाद ये जो है वो सबसे पहला टाइप है हमारे पास मैप का, जिसको हम फिजिकल मैप बोलते हैं। इस फिजिकल मैप में हमें क्या दिखाई देता है, जैसे कि पहाड़ क्या है, मैदानी क्षेत्र कौन सा है, घास घास कहाँ कहाँ पर है ज्यादा, पेड़ पौधे कहाँ पर है, पानी कहाँ पर है, ये जो हमें चीजें बताता है, ये बताता है फिजिकल मैप। अब इस फिजिकल मैप में हमें कहीं पर भी स्टेट के बारे में पता नहीं चलता है कि किस स्टेट की बाउंड्री किसके साथ टच हो रही है या किसके साथ टच नहीं हो रही है, ये चीज हमें यहाँ पर पता नहीं चलती। ये सिर्फ और सिर्फ हमें भौतिक रूप से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पहाड़, पेड़ पौधे, घास, मैदानी क्षेत्र, पानी, इन सभी की चीजों के बारे में बताता है। तो ये है हमारा फिजिकल मैप। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है हमारे पास सेकंड टाइप पे आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप का मतलब है राजनीतिक मैप। सो ये जो हमारे पास सेकंड नंबर पे है, ये है हमारे पास पॉलिटिकल मैप, यानी कि जिसको राजनीतिक मैप हम बोलते हैं। राजनीतिक मैप जो है हमारे पास, ये है हमारे पास राजनीतिक मैप। इस राजनीतिक मैप का मतलब क्या है, ये हमें क्या चीज बताता है, ये हमें बताता है सीमा क्षेत्र, यानी कि कौन सा स्टेट कहाँ तक उसकी एंडिंग लाइन है, किसके साथ वो जुड़ा हुआ है, ये चीज हमें कौन बताएगा, ये बताएगा पॉलिटिकल मैप। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जूम करके आपको बता रहा हूँ, ये हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, मैं इसको जूम करके बताता हूँ आपको। तो आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री किसके किसके साथ टच हो रही है, ये जहां पर हिमाचल प्रदेश हमारा एंड हो रहा है, ये जो अब वो व्हाइट कलर में बिल्कुल एक टच लाइन जो वो शो की गई है, ये हमारा लद्दाख वाला एरिया ग्रीन हिमाचल के ऊपर, उसके ब्लू वाला एरिया जो ऊपर की तरफ है वो जम्मू कश्मीर है, नीचे की तरफ ब्राउन वाला एरिया पंजाब चंडीगढ़, फिर ब्लू वाला हरियाणा, फिर नीचे नई दिल्ली देहरादून, ये सारी की सारी चीजें हमें क्या बता रही है, बाउंड्रीज जो है वो इनके बारे में बता रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो राजनीतिक मैप है, ये हर राज्य की क्या बताता है, ये हर राज्य की सीमा क्षेत्र को बताता है, ठीक है। अलग अलग उसको जो है वो अलग अलग हिस्सों में बांटता है, कंट्री को अलग करता है, स्टेट को अलग करता है, डिस्ट्रिक्ट को अलग करता है। अगर मैं हिमाचल का मैप ले लेता हूँ तो पॉलिटिकल मैप क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, इन सभी को अलग कर देगा, वहां पे आएगा पॉलिटिकल मैप, ठीक है जी। ये इसका सेकेंड टाइप था। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास थर्मेटिक मैप। थर्मेटिक मैप जो है वो हमारा ज्यादातर विशेष चीजों के लिए यूज होने वाला मैप है। तो ये हमारे पास तीसरा मुख्य मैप है। थर्मेटिक मैप का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारे पास कौन सी चीजें आती हैं, विशेष रूप से किसी चीज का जब यूज किया जाता है, जैसे कि विशेष चीज का मतलब क्या है कि स्पेशल उसी चीज के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि नदियों का मैप होता है, नदियों का मैप है, फिर खानों का मैप है,
कहाँ कहाँ पे जो हमारे झरने हैं उनका एक मैप है, कहाँ कहाँ पर हमारी NH हाईवे हैं उनका एक मैप है। तो जो विशेष रूप से किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताए, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं नीचे के लिखा, ये एरिया आपको बताया गया, कौन कौन सा एरिया, डेजर्ट के बारे में बताया, कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है, या फिर आप जैसे कि नेशनल पार्क के बारे में हो सकता है, ठीक है, नदियों के बारे में हो सकता है कि यहाँ पर जो वो नेशनल पार्क दिया गया कि यहाँ पर हिमाचल का नेशनल पार्क है, यहाँ पर उत्तराखंड का है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का है, तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क दिए गए जो कि विशेष रूप से आपकी जैसे खाने होगी, झीलें होगी, सड़कें होगी, जब कोई स्पेशल चीज़ के बारे में आपके पास जो मैप आता है तो वो कौन सी चीज़ है आपके पास, वो है थर्मेटिक मैप। आई होप आपको ये तीन के तीन जो इसके मैप के टाइप हैं वो आपको यहाँ तक क्लियर हुए हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट करना है, अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो आपको मन में ही वो क्वेश्चन सोचना है और फिर चेक करना कि क्या वो मेरा आंसर सही है फिर गलत है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई एक एयरफोर्स का जो हमारा आदमी है या फिर कोई जो हमारा पायलट है वो हवाई जहाज उड़ा रहा है, ठीक है, क्या उड़ा रहा है, हवाई जहाज जो हवा वाला है, ठीक है, पानी वाला नहीं, हवा वाला, ठीक है, जो हवा में कोई जो जहाज है उसको उड़ा रहा है, तो वो कौन से मैप का यूज करेगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि जैसे एयरफोर्स का जो पायलट है वो जो एयरफोर्स का पायलट है वो उड़ान भरने के समय या फिर उतरने के समय जो है वो किस मैप का यूज करता है, थर्मेटिक मैप, या फिर आपके पास है सेकंड नंबर पे पॉलिटिकल मैप, या फिर पहले पे है फिजिकल मैप। तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा वो आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि कौन सा मैप जो है वो यूज किया जाएगा। तो हमारे पास जो सबसे पहले नंबर का मैप था फिजिकल मैप, यही मैप जो है वो एयरफोर्स वाला जो पायलट है वो उसको लेके जाएगा। फिजिकल मैप क्यों लेके जाएगा, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको हवाई जहाज नीचे उतारना है, यानी कि जब वो उड़ान भरेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल मौसम खराब हो जाता है तो वो किस क्षेत्र में लेके जाएगा, पहाड़ वाले क्षेत्र में लेके जाएगा, मैदानी क्षेत्र में, घास, या फिर पानी वाले क्षेत्र में लेके जाएगा। अगर वो पॉलिटिकल मैप लेके गया तो उस समय उसको सिर्फ ये पता चलेगा कि मैं सिर्फ वो बाउंड्री को क्रॉस कर रहा हूँ, जहाज को उतरने समय जब वो जहाज उतरेगा तो उसको बाउंड्री से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है बिल्कुल सेफ साइट पे उसको उतारना है, कि क्या वो जम्मू कश्मीर वाली साइड तो नहीं चला जा रहा, सियाचिन ग्लेशियर की तरफ तो नहीं चला जा रहा है, या फिर विशेष रूप से होगा ये तो उसकी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि इसमें तो नदियां झीलों के बारे में बताया देगा, तो हेल्प कौन करेगा, फिजिकल मैप हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ, जैसे कि ये वाला हमारा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र मैं जूम करके आपको बताता हूँ, ये वाला हमारा क्षेत्र है, ये जो मैंने छोटा सा सर्कल किया बांग्लादेश की साइड, अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर हवाई जहाज उड़ रहा और वो साउथ की तरफ आता है, अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको पता कैसे चलेगा कि मैं पानी की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम ऊपर हैं तो ऊपर से बिल्कुल छोटी छोटी चीजें दिखाई देती हैं, कई बार क्लियर नहीं होता है कि यहाँ पे कोई मैदान है या नहीं है, ठीक है, तो हमें कौन से मैप हेल्प करेगा, हमारा फिजिकल मैप जो है वो हमें उतरने के लिए हेल्प करेगा। एग्जाम में पूछा गया एक बार क्वेश्चन है, इसलिए आपके साथ मैंने डिस्कस किया। अब हम अपने जो है वो मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, सो मेन टॉपिक के ऊपर हम आप जो है वो अब इसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले ग्लोब के बारे में मैंने आपको जो है वो बताया, हल्का सा 23.5 डिग्री के ऊपर जो है ये झुका हुआ है, तो टोटल अगर मैं इसके एंगल की बात करूं, यहाँ पे मैं एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसके ये एंगल की बात करता हूँ ऐसे करके, ये ऐसे, तो ये वाला जो हमारा एंगल बनेगा ये बनेगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब ये हल्का सा कितने डिग्री बाहर है, ये कितना सा बाहर है आपको मैंने बता दिया, 23.5 डिग्री जो है वो बाहर है, तो इसका मतलब कि जब वो जो हमारे पास ग्लोब है, मैं यहाँ पर एक पिक्चर बना रहा हूँ, ये मैंने बना लिया ग्लोब, ठीक है जी, पृथ्वी बना ली, ठीक है, ये इसकी आ गई कौन सी लाइन, ये आ गई इसकी सेंटर लाइन, ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ये इसकी सेंटर लाइन आ गई, ठीक है। अब 23.5 डिग्री के ऊपर एक लाइन आपको यहाँ पर बनानी, 23.5 डिग्री आपको इसको झुकाना है, दोनों तरफ से लाइनें बनेंगी, दोनों तरफ से लाइनें बनेंगी, नॉर्थ में भी साउथ में भी, क्योंकि दो पोल होते हैं ये आपको पता है। अब ये तो आ गई 0 डिग्री वाली लाइन,
जीरो डिग्री वाली लाइन। जीरो डिग्री वाली लाइन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम कहते हैं सेंट्रल लाइन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रल लाइन कहते हैं जीरो डिग्री वाली। अब बात आ गई इसको हिंदी की। अब बिल्कुल मध्य में है, ठीक है, भूमि के मध्य में है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। यह आपको ध्यान में रखना है, टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है, आपको साथ साथ में इसको कवर करते चलना है। मैंने क्या बनाई, एक पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि पृथ्वी गोल है, अंडाकार है, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका बना दिया। अब बीच में से एक लाइन मैंने गुजारी बिल्कुल सेंटर से, जिसको कि भूमि के मध्य से गुजारा गया, तो हमने क्या बोल दिया इसको, भूमध्य रेखा बोल दिया। अब मैं यहाँ पे ग्लोब, जस्ट सेकेंड, मैं यहाँ से ग्लोब के स्ट्रक्चर को हटा रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो और ज्यादा क्लियर जो है वो यहां पर दिखे। ठीक है जी, ये मैंने यहां पे इरेज कर दिया। अब जो है वो यहां पर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर एंड कट आपके साथ यहां पे मैं डिस्कस करूंगा। जीरो डिग्री लाइन को सेंटर लाइन भी बोला जाता है, भूमि के मध्य यहाँ से गुजारा गया, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हिंदी का शब्द काम नहीं आएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा जो वो हिंदी का शब्द है। हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, जो ज्योग्राफी में इसी भूमध्य रेखा को क्या कहा जाता है, इसी भूमध्य रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं विषुवत रेखा, आपको ध्यान में रखना है, विषुवत रेखा। या फिर जीरो डिग्री वाली लाइन को इंग्लिश में एक और चीज कहा जाता है, इक्वेटर, इक्वेटर लाइन। ठीक है जी, क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। ये चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, नॉर्थ की तरफ, ये हमारा ऊपर नॉर्थ है, ये नीचे साउथ है, दो लाइनें मैंने पास करवाई, ठीक है जी, 23.5 डिग्री के ऊपर। अब आपको ध्यान से देखना है, मैं हर चीज आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। ये चीज मैंने क्या की, यहाँ पे एक लाइन बनाई और यहां पर भी मैंने एक लाइन बनाई। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे, कुछ जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारी पृथ्वी गोल है, अगर बीच वाली लाइन मैंने स्ट्रेट बनाई, तो फिर ये वाली लाइन जो है वो मेरे स्ट्रेट क्यों नहीं आई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं आई, ये मैंने हल्की सी तिरछी क्यों बनाई, नीचे की तरफ क्यों बनाई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज मैंने सिर्फ समझाने के लिए नहीं बताई। सेंटर लाइन तो आपकी बिल्कुल मिड से होके आएगी, लेकिन जब आप किसी एक फुटबॉल के ऊपर, किसी फुटबॉल के ऊपर जब आप एक लाइन लगाते हैं, जब आप उसको दूर से देखेंगे, तो वो आपको फुटबॉल वाली लाइन स्ट्रेट नहीं दिखाई देगी, वो आपको कैसे दिखाई देगी, इस तरीके से सी टाइप की जो है वो आपको वहां पर ये लाइन दिखेगी। तो इसलिए जो है वो यहां पर ये 23.5 डिग्री की जो लाइन मैंने यहां पे निकाली है, ये कैसी आएगी, तिरछी आएगी। ये चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने पृथ्वी का स्ट्रक्चर यहां पे आपके साथ, सॉरी, ग्लोब का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने यहाँ पे बना दिया। 23.5 के ऊपर जो है वो दो लाइनें हमारी आ गई, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। जो ऊपर वाली रेखा है, इस रेखा को क्या कहा जाता है, इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। नीचे वाली जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा। ये हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है। अब इंडिया जो है वो यहां जैसे है, इंडिया यहां जैसे है, 0 डिग्री वाली लाइन जो उससे ऊपर है। आपको मैं बर्ड का मैप, आप जब मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ये चीज सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। इंडिया जो है वो हमारा यहां पर है। अब पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, बर्ड का मैप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर है और मकर रेखा जो है वो हमारे 23.5 डिग्री कहां पर है, नीचे की तरफ है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, 23.5 डिग्री तो हमने बना दिया, अब बनाएंगे 66.5 डिग्री की एक लाइन। क्या बनाएंगे, 66.5 डिग्री की एक लाइन बनाएंगे। ये चीज फिर से हमारी स्ट्रेट ही आएगी, लेकिन आपको दिखेगी कैसी, तिरछी दिखेगी। ये 66.5 डिग्री वाली लाइन, ये भी 66.5 डिग्री वाली लाइन, ठीक है जी। यहां पर कितने का एंगल है, 66.5 डिग्री का एंगल है, क्योंकि टोटल एंगल जो हमारा ग्लोब था वो हल्का सा कैसा था, ग्लोब आपने देखा होगा इस तरीके का हमारा क्या था, ग्लोब था, इस तरीके का हमारा ग्लोब था। तो ये हल्का सा क्या था, तिरछा था, इसलिए टोटल 90 डिग्री बनाने के लिए 23.5 की लाइन हमने पहले बना ली, और बाकी जो हमारा 90 से पेंडिंग बचा 66.5 डिग्री, वो हमने बाद में बना लिया। अब जो 23.5 की ऊपर वाली लाइन है उसको बोला है कर्क रेखा, नीचे वाली लाइन को हमने बोला है मकर रेखा, बीच वाली रेखा को 0 डिग्री लाइन, सेंटर लाइन जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं ज्योग्राफी में, उसको
विषुवत रेखा बोलते हैं, या फिर एक और नाम है उसका इक्वेटर लाइन। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ है। अब इसके बाद क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अब देखिए जो हमारा सूर्य है, ठीक है जी, जो हमारा सूर्य है वो हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही चलता रहता है। मतलब कि इस पॉइंट से चलेगा, इस पॉइंट से चलेगा और ये कहां तक जाएगा, ये हमारा इस पॉइंट से चला और यहां तक गया। मतलब कि हमारा जो सन है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच घूमता रहता है। कर्क से कहां तक घूमता है, मकर तक घूमता है। ये चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए जब ये इस पॉइंट से लेके यहां से चलेगा, यहां से चलता है, यहां तक जाता है, फिर यहां से वापस जाता है, फिर वापस आता है, वापस जाता है, वापस आता है, यहां पर ये चक्कर लगाता रहता है। तो इसका मतलब है ये जो जीरो डिग्री वाली लाइन है, ये जो जीरो डिग्री वाली लाइन है, यहां से सूर्य हमारा कितनी बार क्रॉस हुआ, दो बार क्रॉस हुआ। इसलिए सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर होगी, सबसे ज्यादा गर्मी होगी इक्वेटर लाइन में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि कर्क रेखा आपके ऑप्शन में दिए होंगे, सबसे ज्यादा गर्मी कौन सी रेखा में होती है, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो जहां से सूर्य क्या करता है, दो बार पास हुआ, क्योंकि मॉर्निंग में भी गया, इवनिंग में भी गया। जब वो मॉर्निंग में जाएगा, जब उसका टेम्परेचर ठंडा होने की कगार पे आएगा, तो वो शाम को फिर से वापस आ जाएगा। तो गर्मी क्या होगी, वहां पे उसी प्रकार की मेंटेन रहेगी। तो गर्मी क्या है, सबसे ज्यादा है कहाँ पर है, सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पे, इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, जीरो डिग्री पे, या फिर सेंटर लाइन पे। सारी की सारी चीजें सेम है हमारी। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे होगी, इक्वेटर लाइन पे होगी, ठीक है जी, विषुवत रेखा पे होगी। अब देखिए सूर्य हमारा चला कर्क रेखा से, जब ये कर्क रेखा से चलेगा तो मकर रेखा में क्या होगी, हल्की से ठंडक होगी, ठीक है जी, क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। मकर रेखा में जब ये पहुंच जाएगा तो कर्क रेखा में क्या होगी, हल्की सी ठंडक होगी। ये चीज तो आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए जो सन है हमारा वो जीरो डिग्री वाली लाइन से कितनी बार गया, दो बार गया, ठीक है, यहां तक भी आपको जो है वो क्लियर हो गया। अब जीरो डिग्री लाइन के ऊपर वाली रेखा को हमने बोला कर्क रेखा, नीचे वाली रेखा को हमने क्या बोला, मकर रेखा बोला, ठीक है जी, ये चीज आपको पता चल गई। अब जो हमारा ऊपर वाली लाइन बचती है 66.5 वाली, ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध यानी कि पृथ्वी का जो हिस्सा है, नॉर्थ वाला पोर्शन है। इसलिए इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे वाला एरिया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण गोलार्ध, क्या कहते हैं, दक्षिण गोलार्ध। ये चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। ऊपर वाला एरिया क्या आ गया हमारे पास, ऊपर वाला एरिया आ गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला क्या आ गया, दक्षिण गोलार्ध आ गया। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो हमारा बर्ड का मैप है, ठीक है, बर्ड का मैप मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जो हमारा फ्रंट पेज था, ये जो बर्ड का मैप है बिल्कुल यहां पर जो है टॉप के ऊपर, और ये नीचे जो है, ठीक है, ये हमारा ऊपर जो है वो नॉर्थ है और नीचे जो वो हमारा साउथ है। तो नीचे आप देख सकते हैं कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका, और ऊपर जो है, ऊपर है हमारे पास आर्कटिक। इसलिए इस गोलार्ध को जो है, इस उत्तरी गोलार्ध को जो है वो आर्कटिक के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है जी, किस नाम से जानते हैं, आर्कटिक नाम के नाम से जानते हैं, और दक्षिण गोलार्ध को किस नाम से जानते हैं, अंटार्कटिक के नाम से भी जानते हैं। एक मिनट, मिस्टेक होगी लिखने में, अंटार्कटिक, थोड़ा देख लेना आप, ये हो सकता है मिस्टेक हो। तो अंटार्कटिक के नाम से हमने किसको जाना, दक्षिण गोलार्ध को यहां पर जाना। 66.5 डिग्री जो है वो नीचे हमारे ये ग्लोब के नीचे है। अब ये चीज तो हमारी होगी। अब आप बात आते हैं किसके ऊपर, सन के ऊपर, ठीक है जी। अब जो हमारा सन है वो हमारा कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा तक जाता है, ठीक है। अब ये उत्तरी गोलार्ध तक तो गया ही नहीं, या फिर हमारा दक्षिण गोलार्ध तक ये गया ही नहीं। इसका मतलब क्या है, यहां पर सबसे ज्यादा क्या होगी, सबसे ज्यादा ठंड होगी। ये चीज तो आपको क्लियर होगी। अच्छा अब देखिए मैंने क्या बोला,
मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का। मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ से सूर्य गया नीचे की तरफ, और नीचे से कहाँ आ गया, नीचे से आ गया ऊपर की तरफ। जब ये कर्क रेखा पर है तो गर्मी कहाँ पर होगी, गर्मी होगी कर्क रेखा में। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया, गर्मी कहाँ पर होगी कर्क रेखा में। और जब ये कर्क रेखा में, तो गर्मी कर्क में होगी और नीचे क्या होगी, ठंडक होगी। ठीक है, नीचे ठंड है। जब ये मकर में चला गया, मकर रेखा में चला गया, तो कर्क रेखा में क्या होगी, ठंडक होगी। क्योंकि आपको मैंने अभी क्या बताया कि सन हमारा सिर्फ दो लाइनों के बीच में घूमता रहता है, कर्क से मकर में जाएगा, मकर से कर्क में जाएगा। जब ये कर्क में, जब एक पोजिशन पे खड़ा है ये, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, ठंड पड़ जाएगी। जब ये मकर में खड़ा है तो कर्क में क्या हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये वाला जो एरिया है, ये ऊपर से अगर गर्म है तो नीचे से क्या होगा, ठंडा होगा। अगर नीचे सूर्य चला गया, नीचे गर्मी होगी तो ऊपर क्या होगी, ठंड होगी। इसका मतलब है यहाँ पर गर्मी तो है, इसका मतलब उष्ण भी है और साथ में क्या है, शीत भी है, ठंड भी है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, शीतोष्ण, सॉरी शीतोष्ण नहीं, जस्ट सेकेंड, शीतोष्ण नहीं आएगा, यहां पर गर्मी रहेगी। तो एक मिनट, यहां पर जो गर्मी है, इसलिए इस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय मैंने बोल दिया। कौन से वाले एरिया को, ये जो वाला एरिया कर्क से मकर वाला। ठीक है जी, अब ये वाला जो एरिया है या फिर ये वाला एरिया है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब सूर्य हमारा कर्क रेखा में था, यानी कि इस पोजीशन पे था, तो यहाँ पर तो गर्मी है, लेकिन इससे आगे तो ऊपर ये गया ही नहीं। यहाँ पर क्या रहेगी, हमारी ठंड भी रहेगी और गर्मी भी रहेगी, ठंड भी है गर्मी भी है। जब ये मकर रेखा में होगा, यहाँ पर होगा, तो मकर रेखा के ऊपर गर्मी और नीचे हल्की सी क्या रहेगी, ठंड रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर ठंड भी है गर्मी भी है, ठंड भी है गर्मी भी है। इसलिए इस वाली जगह को हम क्या बोलेंगे, इस वाली जगह को हम बोलेंगे शीतोष्ण। क्या बोलेंगे, शीतोष्ण। शीतोष्ण क्यों बोला, क्योंकि शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण, इसलिए क्या बन गया हमारा, शीतोष्ण बन गया। क्या बन गया, शीतोष्ण बन गया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या बन गया, शीतोष्ण हमारा बन गया। ठीक है जी, ये बन गया कौन सा क्षेत्र, शीतोष्ण बन गया। ठीक है, क्योंकि ठंड भी है गर्मी भी है, ये चीज तो आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। अब बात आ जाती उत्तरी गोलार्ध की, जो हमारे पास आर्कटिक था, या फिर हमारे पास जो है वो दक्षिण गोलार्ध है। यहां पर तो सूर्य पहुंचा ही नहीं, सूर्य पहुंचा नहीं, इसका मतलब है यहां पर क्या रहेगी, 101% सर्दी रहेगी, बर्फ पड़ी रहेगी। तो बर्फ होगी तो यानी कि ठंड होगी, इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ये वाला एरिया और ये लास्ट वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय एरिया आएगा। क्योंकि हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं ना, तो कटिबंधीय जो है वो यहां पर लगाना जरूरी है। ठीक है, शीत कटिबंधीय यहां पर जरूरी है। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज यहां पे पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हल्का सा इसको एक बार रिव्यू भी करूंगा, हल्का सा मैं इसको समझाऊंगा आपको, जो जो चीजें मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाई। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद जो है इसको हल्का सा डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने यहाँ पर क्या बनाई, ये मैंने यहाँ पर बना ली पृथ्वी यानी कि ग्लोब। ये आ गई हमारे पास सेंटर वाली लाइन, जिसको 0 डिग्री लाइन, या फिर 0 डिग्री के अलावा इसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री लाइन, सेंटर लाइन के नाम से हम जानते हैं। अब मैंने क्या किया, 23.5 डिग्री जो है वो इसको ऊपर से मोड़ दिया। स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, क्योंकि जब फुटबॉल के आप दूर से देखेंगे स्ट्रेट लाइन को, हल्की सी एज की फॉर्म में आपको दिखेगी। ये वाली जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। ये वाली कौन सी है, मकर रेखा है, जो कि हमारी 23.5 डिग्री के ऊपर झुकी हुई है। उसके बाद 66.5 डिग्री, 90 डिग्री को पूरा करने के लिए 66.5 डिग्री वाली रेखा आएगी, जिसको हमने क्या बोला, ये नॉर्थ वाला एरिया है, ये साउथ वाला एरिया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के नाम से जानते हैं। या फिर उत्तर में हमारे पास जो महाद्वीप है वो है आर्कटिक,
ठीक है जी, क्या है, आर्कटिक है, और नीचे वाला जो है वो उसको हमने क्या बोल दिया, अंटार्कटिक बोल दिया, ठीक है, अंटार्कटिक इसको हमने नाम दे दिया। ये चीज हमारी यहां तक आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सूर्य है वो कर्क से मकर में घूमता रहता है, इस वाले एरिया में घूमता रहता है, सिर्फ सूर्य जो है इस वाले एरिया में घूमेगा, इसलिए कर्क और मकर जब ये दोनों लाइन के बीच घूमेगा, यहां से नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, इसका मतलब इन दो पॉइंटों के ऊपर जो है वो उसने क्या किया, इस भूमध्य रेखा को क्रॉस किया, दो बार क्रॉस किया, तो इसका मतलब है इस क्षेत्र में क्या होगी, सबसे ज्यादा गर्मी होगी, सबसे ज्यादा क्या होगी, गर्मी होगी, इसीलिए इस गर्मी वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। अब कर्क रेखा के जब ऊपर जब ये सूर्य जो है वो कर्क रेखा में है, तो इसके नीचे जो है वो क्या होगी, हमारी गर्मी होगी, और इससे ऊपर तो सूर्य गए नहीं, तो यहाँ पर क्या होगी, ठंड होगी, इसलिए ये जो हमारे दो एरिया बच गए, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शीत उष्ण, शीत यानी कि ठंड भी है और साथ में क्या है, शीतोष्ण आप बोल सकते हो, शीत उष्ण आप बोल सकते हो, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जो लास्ट वाला एरिया बच गया, यहाँ पे तो सूर्य जाता ही नहीं है, सूर्य जाएगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या पड़ी रहेगी, यहाँ पर पड़ी रहेगी बर्फ, इसलिए ये वाला जो क्षेत्र क्या बन गया, ये बन गया शीत कटिबंधीय, क्या बन गया, ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र हमारे पास बन गया। ये चीज मैंने अभी तक आपको जो है वो समझाई है। अब मेरे क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये बना कि सबसे ज्यादा गर्मी कौन से क्षेत्र में होती है, तो वो हमारी होगी 0 डिग्री लाइन पे, या फिर उष्ण कटिबंधीय के ऊपर, या फिर कर्क और मकर रेखा के बीच में, जो जितना भी हमारा क्षेत्र आता है वहां पर क्या होगी, सबसे ज्यादा गर्मी होगी। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि कर्क रेखा मकर रेखा कितने डिग्री के ऊपर है, तो 23.5 डिग्री के ऊपर हमारी ये रेखा बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, तो देखिए जहां पे सबसे ज्यादा क्या होगी, गर्मी होगी, जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी उस गर्मी की वजह से क्या होगा, जो हमारा वाटर है वो क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा, बादल ज्यादा बनेंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा बारिश भी वहीं पर होगी, जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी बारिश भी वहीं पर होगी। लॉजिक को आप समझो, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप लॉजिक को अंडरस्टैंड करेंगे ऑटोमेटिकली आपको ये चीज याद रहेगी। तो आपने क्या सीखा कि जब जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी है तो उस वजह से क्या होगा, वहां पे जो पानी है वो क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा, ठीक है, भाप बन के उड़ेगा, बादल ज्यादा बनेंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे बारिश हो जाएगी। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला एरिया है, उष्ण कटिबंधीय एरिया, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब मेरा अगला प्रश्न है कि चौड़ी पत्ती वाले जो हमारे पौधे हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है, चौड़ी पत्ती यानी कि अगर मेरा कोई एक प्लांट है उसके पत्ते जो है वो किस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे उसके, यानी कि बिल्कुल चौड़े, बिल्कुल चौड़े। अब जो चौड़े पत्ते होते हैं वो काम क्या करते हैं, चौड़े पत्ते का काम है बारिश को रोकना, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। चौड़े पत्तों का काम क्या है, अगर मेरे पास एक बिल्कुल छोटा सा पत्ता है, ठीक है, और एक बड़ा पत्ता जैसे कि केले का है, तो केले का पत्ता क्या करेगा, बारिश को तो रोक देगा, एज अ छाते की तरह तो बिहेव करेगा। तो आप हिंट लेके यहाँ पे चले कि उसने क्या काम किया, बारिश को रोका। अब बारिश कहाँ पे होती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो जो शीत उष्ण कटिबंधी वाला जो एरिया कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, या फिर 0 डिग्री लाइन वाला जो एरिया है, उस क्षेत्र में चौड़ी पत्तियों वाले क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब लास्ट में क्या बचा, पतली या फिर जो हमारी पतली पत्तियों वाले पेड़ पौधे होते हैं, या फिर 0 कट वाले, ठीक है, कि उनकी उनमें पत्तियां होती नहीं है, तो पत्तियां नहीं होंगी कहाँ पे, नहीं होंगी जहां पे बारिश ही नहीं होगी वहां पे पत्तियां नहीं होंगी। तो बारिश कहाँ पे नहीं होती है, वो होती है सबसे टॉप वाले एरिया में, सबसे निचले वाले एरिया में, जहां पे 24 घंटे क्या पड़ी रहती है, बर्फ पड़ी रहती है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक में क्या है, हमारे पास पतली पत्तियों वाले पत्ते जो है वो पाए जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये ग्लोब वाला जो हल्का सा छोटा सा टॉपिक है वो बिल्कुल इजी वे में क्लियर हो गया, ठीक है जी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इसके साथ में ही, वो है हमारे पास ये जो हमारे महाद्वीप है, ठीक है, ये चीज हाँ जी, ये जो हमारे महाद्वीप हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अब महासागरों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपका
एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप हायर क्लास की स्टडी कर रहे हैं तो आपसे पूछे जाएंगे कि महासागर कितना, तो आंसर आपका होना चाहिए 4। अगर आप बेसिक लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल के एग्जाम की तैयारी, तो आपका आंसर होना चाहिए कि महासागर कितने हैं, 5। लेकिन अगर आप एक लड़की हैं तो फिर आपका आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि गाना है सात समुंदर पार करके, इसका मतलब है कि टोटल कितने हमारे महाद्वीप हैं, 7 हैं, वो तो हमें पता है। लेकिन जब बात आती है बेसिक लेवल के एग्जाम की तो मान्यता सिर्फ दी जाती है 5 ही महाद्वीपों को। अगर हायर लेवल की आप एग्जाम कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी लेवल की, एचएएस की, आईएएस लेवल की, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाद्वीप कितने हैं, तो वो कितने हैं, 4 हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। अब सबसे पहले हल्का से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए सबसे पहले नंबर पे आएगा, कलर चेंज कर देता हूं मैं, इसलिए सबसे पहले नंबर पे आएगा, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आएगा, मैं आपको इसको बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल तरीके से, ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें याद हो जाएं। एशिया महाद्वीप सबसे पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, अफ्रीका आता है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, अफ्रीका, 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 ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम चले गए ऊपर की तरफ, ठीक है जी। ऊपर हमारे पास आ गया नॉर्थ अमेरिका, ये आ गया तीसरे नंबर पे। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इसका दूसरा भाई आ गया साउथ अमेरिका, तो इसका मतलब है चौथे नंबर पे क्या आ गया, चौथे नंबर पे आ गया साउथ अमेरिका, ठीक है जी। चौथे से बिल्कुल नीचे आप चले जाओ, तीसरा, चौथा, पांचवा, बिल्कुल एक सेद में है, बिल्कुल एक डाउन टू अर्थ लेवल में है, तो पांचवे नंबर पे कौन सा आ गया, अंटार्कटिका आ गया। कौन सा आ गया, अंटार्कटिका आ गया। अब बिल्कुल टॉप पे आपने चले जाना है, यूरोप जो आपके पास बचा ये आ गया छठवें नंबर पे, और लास्ट में बचा ऑस्ट्रेलिया, ये आ गया सातवें नंबर पे। तो बन गए हमारे 7 समुंदर, ठीक है जी। लेकिन एक्चुअल में जो टोटल हमारे महाद्वीप थे वो थे 8। एक गिलेंडिया नामक जो 8वां हमारा महाद्वीप था वो जो है वो डूब गया था, इसलिए उस चीज़ को हम काउंट नहीं करते हैं। अब जो हमारे पास टोटल है वो है 7। ये चीज़ क्लियर होगी। एशिया जो है वो सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा है, जो कि 7वें नंबर का महाद्वीप है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब एशिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, एशिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे क्या रहेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो एशिया है ये हमारा पहले नंबर पे आता है, ठीक है जी। आपको नोट्स बनाते चलना है, इसी प्रकार के आप मैप निकाल लीजिए और यहाँ पर अपनी इंपॉर्टेंट लाइनें जो हैं वो इसी वे में यहाँ पर साथ साथ में लिखते चलिए। मैप से सबसे जल्दी आपका याद होता है। एशिया जो है वो पहले स्थान पर है। यहाँ में एशिया में टोटल 48 कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रीज हैं, टोटल 48, कितने देश हैं, टोटल 48 देश हैं यहाँ पर, ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, हमारा प्यारा भारत। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ना, ये किसका है, ये हमारे भारत का एरिया है। हमारा प्यारा भारत किस में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब एशिया का जो सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है इसका चीन। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है मालदीव, ठीक है जी। कौन सा है, मालदीव है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता वाला अगर कोई महाद्वीप है तो वो कौन सा है, एशिया है, ध्यान में आपको रखना है। सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता, सबसे ज्यादा विकसित, जो सबसे ज्यादा फैला हुआ है, सबसे ज्यादा डिवेलप है, डिवेलप नहीं हम बोलेंगे, उसकी सभ्यता डिवेलप है, क्योंकि डिवेलप के लिए एक और हमारा महाद्वीप आएगा, ठीक है। अगर मैं सबसे ज्यादा डिवेलप महाद्वीप की बात करूं कि सब कुछ वहां पे सही है, इनकम का सोर्स सबसे अच्छा है, डिवेलप है, ठीक है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो वो हमारा आता है यूरोप। लेकिन विकसित सभ्यता की बात कर रहा हूं मैं, सभ्यता की, तो उस क्षेत्र में आएगा हमारे पास एशिया महाद्वीप। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब एशिया महाद्वीप पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। टोटल जो है 29.5% ये एरिया जो है वो पूरी दुनिया का जो है वो कवर करता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा देश हैं। अब एशिया में, एशिया
साइज में तो बड़ा है, एशिया साइज में तो बड़ा है, कितना एरिया कवर करता है 29.5%, जो कि पूरे दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एरिया कवर करता है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन अगर अफ्रीका में आप जाएंगे तो वहां पे है वो दूसरे नंबर पे, लेकिन देशों के अगर मुकाबले देखा जाए तो देश वहां पे सबसे ज्यादा है। इंडिया को मिला के एशिया महाद्वीप में टोटल कितने हैं, 48 देश हैं, लेकिन अफ्रीका में कितने हैं, 54 देश हैं। इसलिए जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, तो वो आपका आंसर क्या रहेगा, अफ्रीका रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद अब आपको पता है अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं, तो इसलिए इस महाद्वीप को क्या बोला जाता है, काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, या फिर अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। क्योंकि अंधे को कैसा दिखता है, अंधे को तो कुछ दिखेगा नहीं, तो उसको कैसा दिखेगा, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक, काला काला, तो इसलिए इसको काला महाद्वीप या फिर अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे आपकी ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। अच्छा, जब मैंने आपको ग्लोब पढ़ाया था, जब मैंने आपको ग्लोब पढ़ाया, तो मैं यहाँ से एक लाइन जो है वो क्रॉस करता हूँ, आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये लाइन थोड़ी सी नहीं, ज्यादा ही कुछ टेढ़ी बनी। ये मैंने एक लाइन लगाई बिल्कुल बीच में से। ठीक है जी। ये वाली लाइन है इक्वेटर लाइन। ठीक है। यहां पर मैंने एक और लाइन लगाई, ये आ गई मेरी कौन सी रेखा, ये आ गई कर्क रेखा। और ये वाली एक और लाइन मैंने लगाई, ये आ गई मकर रेखा। तो अब आप देखिए कि एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा जा रही है, एशिया से जा रही है सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा। ठीक है। भारत जो क्रॉस करता है वो कर्क रेखा को क्रॉस करता है, और कर्क रेखा भारत को बराबर दो हिस्सों में बांटती है, बिल्कुल सेंटर से होके जाती है। ठीक है। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि कर्क रेखा भी वहां से जाती है, मकर रेखा भी जाती है, और साथ में 0 डिग्री वाली लाइन भूमध्य रेखा भी या फिर विषुवत रेखा भी वहां से क्रॉस करती है। इसलिए मैंने आपको पहले क्या बताया था, ग्लोब के बारे में आपको समझाया था। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो तीनों ही रेखाओं को क्या करता है, पास करता है, क्रॉस करता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो वो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। इसको जो है वो काला महाद्वीप, क्योंकि काले को लोग रहते हैं, गर्मी यहाँ पे ज्यादा होती है, स्किन काली पड़ जाती है, इसलिए आपको कोरिलेट करना है काला महाद्वीप के नाम से या फिर अंध महाद्वीप के नाम से किसको जानते हैं, अफ्रीका को ही जानते हैं। ठीक है जी। ये चीज आपकी क्लियर होगी। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों की तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप को जो है वो बिल्कुल बीच से काटती हैं, ये आपको पता है। अफ्रीका में एक देश है जो इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ वही आपको बता रहा हूं। ठीक है जी। नाइजीरिया। अफ्रीका में एक देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो वो नाइजीरिया की ज्यादा है। अब इतने ज्यादा महाद्वीप हैं, अब नाइजीरिया का ही नाम मैंने क्यों उठाया, नाइजीरिया का नाम इसलिए उठाया क्योंकि नाइजीरिया एक ऐसा देश है जो हमारे भारत को सबसे ज्यादा ड्रग सप्लाई करता है, इसलिए नाइजीरिया का नाम यहाँ पे उठाया है। जितने भी जो स्मगलर हैं, ड्रग्स करते हैं, वो सभी का लिंक कहाँ से माना जाता है, नाइजीरिया से माना जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में ये पड़ता है। उसके बाद मानव जाति का पालना जो है वो भी किसको कहा जाता है, अफ्रीका को ही कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर का हमारा कवर हो गया, तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा अमेरिका। अब अमेरिका जो है हायर लेवल में इसको सिर्फ एक ही हिस्से में पढ़ा जाता है, अमेरिका, लेकिन जब छोटे लेवल का आपके पास एग्जाम है तो अमेरिका को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, तो एक बन जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका, एक बन जाता है साउथ अमेरिका। अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे है और साउथ अमेरिका हमारे पास चौथे नंबर पे है। अब देखिए ये जो नॉर्थ अमेरिका है, मैं इसको यहाँ पे मैप है अगर हमारे पास, हाँ जी, ये जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला जो एरिया है ये सारा किसका है, नॉर्थ अमेरिका का एरिया है। ठीक है। इस क्षेत्र की खासियत क्या है, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे कि ये जो जितने भी देश यहाँ पर हैं, ठीक है जी, जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं से पानी की बाउंड्री को टच कर रहे हैं।
ठीक है जी, किस चीज को टच कर रहे हैं, पानी की बाउंड्री को टच कर रहे हैं। अगर मेरे पास कलरफुल मैप, हाँ जी ये है कलरफुल मैप, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपके पास है यूएसए है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद अमेरिका है, मैक्सिको है, ये बहमास है, ठीक है, ये जितने भी हमारे एरिया हैं ये वाली चीज़ें, ठीक है जी। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको ये लगेगा कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसके साथ टच हो रहा है, किसके साथ टच हो रहा है, पानी के साथ टच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, ये इन एक ऐसा हमारा महाद्वीप है जिसके सभी देशों की सीमा जो है वो किसके साथ लगती है, समुद्र के साथ लगती है। तो मैं बोल सकता हूँ सभी देशों की समुद्री सीमा जो है वो इसके साथ टच होती है, इसलिए ये वाला चीज़ हमारा इम्पोर्टेंट है। अब समुद्र के साथ टच होगा तो सीधी सी बात है कि बर्फ तो पड़ेगी, इसलिए इग्लू का नाम आपने सुना होगा। इग्लू जो है वो लोग बर्फ के घर बनाते थे, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एचपी बोर्ड की, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था इतिहास में, ज्योग्राफी में, कि इग्लू जो है वो किसे कहते हैं, तो बर्फ से बनाए हुए घरों को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। और ये नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया में जो है वो ज़्यादा बनाए जाते हैं। अब बात आ जाती है साउथ अमेरिका की। जो साउथ अमेरिका है ये जो है वो अमेरिका का एक पार्ट है, चौथे नंबर पे हमारा ये महाद्वीप है। और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम सभी चीज़ों को इम्पोर्टेंट तो नहीं बना सकते, कुछ चीज़ों को हमने यहाँ से उठाया है। साउथ अमेरिका जो है वो हमारा लगभग लास्ट बाउंड्री वाला एरिया है, ठीक है जी, लास्ट बाउंड्री वाला एरिया पूरे ग्लोब में, क्योंकि इसके बाद हमारा जो है वो महासागर है, प्रशांत महासागर है। इसके बाद साउथ अमेरिका में जो है वो सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, सांप पाए जाते हैं, ठीक है जी, सबसे ज़्यादा सांप। तो सांपों का महाद्वीप है, किसको कहा जाता है, साउथ अमेरिका को। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा पक्षी भी पाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि जो हमारे हिमाचल में जो हमारा हिमाचल है, वहाँ पर जो हमारा महाराणा सागर प्रताप, महाराणा प्रताप सागर बांध जो है, या फिर हमारा जो गोविंद सागर है, रेणुका झील है, बाहर से जो हमारे पक्षी हैं वो वहाँ पर आते हैं, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर सीजन में जो है वो बाहर से बड़े ज़्यादा पक्षी जो हैं लाखों के हिसाब से जो हैं वो उस झीलों की तरफ जो हैं वो आते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं, इसी क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा पक्षी पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, साउथ अमेरिका से जो है वो जल घनत्व के हिसाब से जो सबसे लंबी नदी है अमेजन, ये जो है ये साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास आएगा वो आएगा अंटार्कटिका। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अंटार्कटिका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पूरा का पूरा किससे घिरा हुआ है, बर्फ से घिरा हुआ है। इसलिए बर्फ से घिरा हुआ है, इसलिए इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अब ये बर्फ क्या करेगी, पिघलेगी, फिर जम जाएगी, पिघलेगी जम जाएगी, तो ये क्या करता रहता है, गतिशील करता रहता है, क्या करता रहता है, गतिशील करता रहता है। तो इसको गतिशील महाद्वीप के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, गति करता है, पिघलता है, फिर चलता है, इसलिए गतिशील के नाम से हम इसको जानते हैं, क्योंकि बर्फ यहाँ पे जमी रहती है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो है वो हमें जमीन दिखती नहीं है, क्योंकि पूरी तरफ से क्या, पानी से घिरा हुआ है, बर्फ ही बर्फ है चारों ओर, भूमि यहाँ पर है नहीं। तो इसलिए अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर भूकंप नहीं आते हैं, अर्थक्वेक जो है वो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, अर्थक्वेक तो यहाँ पर होता ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो सब इंस्पेक्टर जो है हरियाणा बोर्ड, इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 का, आपका ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर भूकंप नहीं आते हैं, ठीक है। तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन जो है वो ज़्यादातर बच्चे टिक करते हैं, क्योंकि भूकंप तो कहीं पर भी आ सकते हैं, लेकिन अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है यहाँ पर भूकंप नहीं आते, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ है, तो आपने बर्फ का एक प्राणी है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है पेंगुइन। तो सबसे ज़्यादा पेंगुइन भी कहाँ पर पाए जाते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर ही पाए जाते हैं। उसके बाद भारत ने अंटार्कटिका के ऊपर अपना एक पहला रिसर्च सेंटर दक्षिण गंगोत्री जो है
वो 1983-84 के वर्ष में जो है वो स्थापित किया था। उसके बाद 1996 में एक मैत्री नामक प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट जो था उन्होंने बनाया था 2010 के आसपास आई थिंक, वो जो है वो 2-3 सालों में ही उस प्रोजेक्ट को जो है वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि ज़्यादा खर्चा जो है वो वहाँ पर होता है। रिसर्च सेंटर बनाया था भारत ने अपना वहाँ पर। तो ये अंटार्कटिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद 6th नंबर पे हमारे पास आता है, वो है यूरोप। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा विकसित है। मैंने अभी आपको बताया एशिया जो है वो सबसे विकसित सभ्यता वाला देश है, और सबसे विकसित देश कौन सा है, वो है हमारे पास यूरोप। ठीक है जी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये आ गया विकसित देश। अब यूरोप जो है ये भी पानी के साथ टच है, इसलिए यहाँ पर रेगिस्तान तो है ही नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर यूरोप की एक सबसे फेमस नदी जो है वो राइन नदी जो है वो बहती है। राइन नदी क्यों फेमस है, हमारे लिए क्यों फेमस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि राइन नदी जो है वो उस नदी से कोयले का व्यापार सबसे ज़्यादा किया जाता है, और यूरोप में जो है वो उसी कोयले के व्यापार के नाम से जो है राइन नदी का नया नाम रखा है, उसका नाम क्या है, कोल नदी। ये आई थिंक आप सभी जानते हैं इसको, इसका नाम जो है वो कोल नदी रखा गया है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो बोल्गा नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो 7th नंबर के ऊपर हमारे पास बचा, वो बचा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है एक्चुअल में इसका नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इस महाद्वीप का नाम है ओसनिया। ये आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। हल्के से मैं आपको हाई लेवल के भी यहाँ पे टच जो है वो दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया का एक्चुअल में जो नाम है वो है ओसनिया, लेकिन अब ज़्यादातर बुक्स में जो है वो आपको क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि जो ओसनिया महाद्वीप है उस क्षेत्र का, उस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, इसलिए उस महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया के नाम से ही जाना जाता है, जो कि हमारे पास सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप है जिसमें टोटल जो है वो हमारे पास कितने देश हैं, 22 देश हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड भी हमारा यहीं पर पड़ता है, सबसे छोटा देश। और सबसे ज़्यादा भेड़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, अगर भेड़ें यहाँ पर होंगी इसका मतलब है सबसे ज़्यादा ऊन का निर्यातक जो हमारा महाद्वीप या देश है वो भी कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया ही है। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ये मैंने एक छोटा सा मैप यहाँ पर लगाया है जिसकी हेल्प से आप जो है वो महासागर को भी यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ महाद्वीप आपको बताएं, यहाँ पर महासागरों को भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये जो है वो यहाँ पे मैं आपको हल्का सा एक लाइन के माध्यम से आपको मैं बताऊँगा। ये आप चीज़ देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये इक्वेटर वाली लाइन है, ये जो लाइन जा रही है। उसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ये हमारी कर्क रेखा है, और कर्क रेखा जो अगर मैं भारत से देखूं तो ये चीज़ जा रही है, कर्क रेखा जो वो यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली कर्क रेखा, ये जो कि इंडिया को दो बराबर हिस्सों में क्या करती करती है, बांटती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा अफ्रीका वाला था, ये हमारा अफ्रीका वाला क्षेत्र है, ये सारा जो है, ठीक है, ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी कर्क रेखा गई, ये हमारी सेंटर लाइन गई, और ये हमारी मकर रेखा गई। तो तीनों की तीनों लाइनें जो हैं वो किस वाले महाद्वीप से क्रॉस होती हैं, वो होती हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप से। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, यहाँ तक आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है, जिसको पैसिफिक ओशियन के नाम से हम जानते हैं। अब ये जो है ये इस ग्लोब को जब आप पूरा का पूरा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सर्कुलर शेप में लेके जाएंगे, तो ये वाला जो एरिया है ये किसके साथ टच करेगा, इस वाले क्षेत्र के साथ टच करेगा जब आप इसको जोड़ देंगे। ठीक है जी, एक सर्कुलर शीट में जब आप इसको जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा एरिया बनेगा इस वाले का, पैसिफिक एरिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास अटलांटिक है, ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, इसको जो है वो एस शेप ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। एस शेप क्यों बोला गया वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये यहाँ से शुरू किया, यहाँ से, और इस तरीके से इसकी ये शेप बनती है। तो किस तरीके से शेप बनी, इंग्लिश के अल्फाबेट एस की तरह, किसकी तरह बनी,
एस की तरह ये शेप बनी, इसलिए इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस अटलांटिक ओशियन को जो है वो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है एस शेप ओशियन। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी मैंने आपको अभी तक चीज़ें बताई हैं ये आपको क्लियर हुई हैं। वीडियो को जब आप सिर्फ दो बार अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो 101% आपका जो आज का सेशन है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ग्लोब से कोई भी आपका पेंडिंग क्वेश्चन जो है वो नहीं बचेगा, क्योंकि पेंडिंग क्वेश्चन हम रट्टा मारने वाली चीज़ों को तो बिल्कुल जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि उष्ण कटिबंधी शीतोष्ण में या फिर शीत कटिबंधी में फ़र्क क्या है। तो वो चीज़ें मैंने बिल्कुल आसानी से बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझाई हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं, अच्छी लगी हैं, साथ साथ में नोट्स आप बनाते चलें। ये हमारी एप्लीकेशन और यूट्यूब के ऊपर दोनों के ऊपर हमारी ये लाइव क्लास चली है, कमेंट आप साथ साथ में करते रहें। इसी प्रकार की आपको क्लासेस जो हैं वो अब पेड बैचेस में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपने अभी तक हमारा पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप विजयपथ एजुकेशन आप ऐप डाउनलोड करें, वहां से डिफरेंट कोर्सेज को आप एनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल नामात्र फीस जो है वो हम आपसे वहां पर चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि उसी फीस में हमें आपको पूरा का पूरा कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई नोट्स, स्टडी मटेरियल और क्लासेस, लाइव क्लासेस के साथ आपके टेस्ट और वीडियो कोर्स, कुछ आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी उसमें हैं और बाकी आपकी साथ में ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो ये आपकी बिल्कुल नामात्र सी फीस में जो है वो आपको यहाँ पर मिल रही हैं। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करें और साथ में आप इस नंबर के ऊपर मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं। www.vijaypatheducation.com के ऊपर आप जाएं, ढेर आपको मटेरियल का जो है वो वहाँ पर देखने को मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस चीज़ को देख सकते हैं, टेस्ट आप लगा सकते हैं, क्योंकि अब आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वही आपके ज़्यादातर पॉसिबल होंगे हर किसी स्टेट में, हर किसी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए तैयारी आप साथ साथ में करते रहें। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर के ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जब हम एक स्पेशल ऑफर निकालते हैं ऐप के लिए कूपन का, तब भी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको आपके व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के ऊपर आपको मिलती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। मिलेंगे जल्दी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।